गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड चैप्टर डीप वाटर ऑफ फ्लेमिंगो। ये आपका बेटा थर्ड चैप्टर है फ्लेमिंगो का, डीप वाटर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर रिगार्डिंग कैरेक्टर, सेटिंग, बैकग्राउंड सीन, थीम, मैसेज वी विल डिस्कस। ओके, नाउ लिसन। द नेम ऑफ द चैप्टर डीप वाटर एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज नॉट क्लियरली विजिबल, विलियम ओ डगलस। द नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द ऑथर इज विलियम ओ डगलस। ठीक है, अब बात करें, विलियम ओ डगलस इज ऑल्सो द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। ही इज द राइटर एंड ही इज द नरेटर। अब राइटर और नरेटर सेम, एंड डिस्क्राइब्ड इज ऑन लाइफ, और उसने लाइफ भी किसकी एक्सप्लेन की है, अपने खुद की। सो इन दिस मैनर दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कैसा बन गया, ऑटोबायोग्राफिकल, की राइटर अपने बारे में ही एक्सप्लेन कर रहा है। राइटर और नरेटर दोनों क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, बात करें यहाँ पे, व्हाई दिस टाइटल इज गिवन टू दिस चैप्टर, किसे ये टाइटल क्यों दिया गया है। इन दिस चैप्टर विलियम ओ डगलस हाईलाइट्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन थिंग हाईलाइट की गई है, दैट इज द फियर ऑफ वाटर। ठीक है, वट इज़ हाईलाइटेड हियर, फियर ऑफ ए वाटर, पानी के लिए जो डर है राइटर का, नरेटर का, दैट इज़ हाईलाइटेड हियर। एंड द फियर ऑफ वाटर दैट इज़ वेरी डीप, दैट फियर इज़ वेरी डीप। वो फियर बड़ा ही क्या हो चुका है, गहरा हो चुका है। अभी पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कितना डीप है वो फियर। एंड दैट्स वाई द टाइटल इज गिवन डीप वाटर, बिकॉज ही वॉज हैविंग फियर फ्रॉम वाटर एंड दैट फियर वॉज वेरी डीप। सो दैट्स वाई टाइटल इज गिवन डीप वाटर। गॉट इट। चलिए, बैकग्राउंड पहले डिस्कस करते हैं कि डगलस वॉज वंस नोक्ड एंड ओवरपावर्ड बाय वेव्स एट अ बीच विच मेड हिम टेरिफाइड ऑफ ए वाटर। बैकग्राउंड सीन है कि पहले एक बार जब वो 3 or 4 years ओल्ड था, 3 या 4 साल का था, एट दैट टाइम अ मिसएडवेंचर हैपन्ड विद हिम, वेव्स नोक्ड हिम डाउन एट द बीच एंड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट क्रिएटेड अ फियर इन हिज माइंड। एक उसके माइंड में क्या क्रिएट कर देता है, फियर क्रिएट कर देता है। गॉट इट। चलिए, डगलस की बात करें यहाँ पे, एक ही कैरेक्टर है, कोई और है नहीं। एक थोड़ा सा माइनर कैरेक्टर हम लगा लें कि एक तो उसका स्विमर इंस्ट्रक्टर है जो उसे बाद में स्विमिंग सिखाता है, और एक लड़का जो 10 या 11 साल का था जब एक इंसिडेंट होता है, तब एक लड़के का उसमें रोल है उस इंसिडेंट में। दैट इज़ ओनली दिस 3 कैरेक्टर्स एंड डगलस इज़ द मेन कैरेक्टर बिकॉज ही डिस्क्राइब्ड इज ऑन लाइफ, अपने खुद की लाइफ के बारे में ही बताया है। तो कुछ यहाँ पे और कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, ओनली 2 माइनर कैरेक्टर, ये 2 माइनर कैरेक्टर हैं। एक मोटा सा मस्कुलर बॉय, मतलब हेल्दी सा, मस्कुलर से मतलब यहाँ पे क्या है, हेल्दी बॉय, हु थ्रोज हिम इन द वॉटर, जो उसे कहाँ फेंक देता, पानी में फेंक देता है। और एक डगलस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो डगलस को क्या सिखाता है, बाद में स्विमिंग सिखाता है। चलिए, सेटिंग कहाँ पे है, सेटिंग USA में है। आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग दिस विलियम ओ डगलस, ही वॉज द एडवाइज़र ऑफ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ना, विलियम ओ डगलस, तो USA फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यू नो, बड़ी ही फेमस थे, और वैसे भी पता होना चाहिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे आपके प्रेजिडेंट ऑफ USA। और कब थे ये प्रेसिडेंट, ये भी मैं आपको बताऊं, जब वहाँ पे जापान पे बम गिरा था, और जापान और मेन हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया था। एट दैट टाइम हु थ्रो दैट USA एंड एट दैट टाइम हु वाज़ द प्रेसिडेंट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। एंड विलियम ओ डगलस वाज़ द एडवाइज़र, वो उसका क्या रहा है, एडवाइज़र है, एडवाइजरी की पोस्ट पर रहा है विलियम ओ डगलस काफ़ी साल तक। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में USA में ही रहता था, तो सेटिंग वहीं की है, USA की, वेरियस प्लेसेस, रिवर, लेक्स, वैलीज इन USA। ये तो बस थोड़ा सा बस मैंने डगलस के बारे में आपको बताया था, वैसे पूरे प्ले की सेटिंग USA में है, और पानी के रिगार्डिंग है तो कहाँ होगी, रिवर में, लेक्स में और वैलीज में होगी। गॉट इट। चलिए, अच्छा, वट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर, दिस इज़ द मेन पॉइंट। द थीम इज डिटरमिनेशन, द थीम इज डिटरमिनेशन पावर, कि वी मस्ट बी डिटरमाइंड, हमें क्या होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए टू ओवर पावर एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम पे अपना कंट्रोल करना है हमने। वी वांट टू विन, हम जीतना चाहते हैं, देन ओनली वन वेपन कैन हेल्प अस, दैट इज़ डिटरमिनेशन पावर एंड रेजोल्यूटनेस, यही हमारी हेल्प कर सकते। तो चैप्टर इज़ अबाउट ओवरकमिंग वंस फियर। तो यहाँ पे अगर हम थीम की बात करें ना बेटा, तो थीम यही है, एक इंसान के अंदर पानी कितना डर वहाँ पे पैदा कर सकता है, उस चीज़ को इस चैप्टर के अंदर हाईलाइट किया गया। हाउ डज अ पर्सन्स लाइफ अफेक्टेड
फ्रॉम द फियर ऑफ ए वाटर, पानी के डर से कितने अफेक्टेड होते हैं, ये चीज़ हाईलाइट की गई है। ठीक है, मैसेज था वो डिटर्मिनेशन, अगर हम बात करें ना तो मैंने जो बताया ना तो वो मैसेज दे रहा है कि हमें अगर जीतना है तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। चारों बातें हो गई, बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड बीच वाला सीन उसने बताया कि भी एक डगलस के रिगार्डिंग वो 3 या 4 साल का था तब उसके अंदर फियर क्रिएट हुआ था, ये सीन है। अब उस फियर के चलते आगे क्या क्या इंसिडेंट होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। अच्छा, मेन कैरेक्टर्स आपके हमने कर लिए कि मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये आपके मेन कैरेक्टर्स की बात हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए एक मिनट, कैरेक्टर्स की हमने बात की तो मेन कैरेक्टर्स हमारे हुए, मेन कैरेक्टर्स हैं डगलस, ठीक है, और ये मस्कुलर बॉय और डगलस इंस्ट्रक्टर, सेटिंग यूएसए की है, थीम समन्स फियर, समन्स क्या वहाँ पर डगलस के फियर हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, किसको हाईलाइट किया है, डगलस के फियर को हाईलाइट किया गया है, और मैसेज डिटर्मिनेशन। अब थोड़ी सी समरी की बात कर लेते हैं, बस 5 मिनट और लगेंगे, देखिए सुनिए। What happened? The writer had an aversion to water since he was kid due to bad experience with waves at a beach. Writer के मन में एक fear, aversion का मतलब होता है fear, और एक चीज़ और आपके regarding mention कर दूँ मैं यहाँ पे, fear of तो होता है water, लेकिन aversion के साथ हमेशा verb लगती है to, ठीक है, sorry preposition लगती है to, aversion to, ये phrasal verb बन गई aversion to water, got it, fear of water, समझ आया। अगर अवर्जन लगाएंगे तो अवर्जन ऑफ वाटर नहीं आएगा, अवर्जन टू वाटर होता है। नाउ राइटर हैड अवर्जन टू वाटर सिंस ही वॉज किड ड्यू टू बैड एक्सपीरियंस विद वेव्स एट अ बीच, ये अवर्जन उसके, ये फियर उसके अंदर तब क्रिएट हुआ जब वो एक छोटा बच्चा था, एंड ड्यू टू अ बैड एक्सपीरियंस उसका वेव्स के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस बीच पे रहा। ठीक है, बीच पे वेव्स ने उसके साथ बड़ा ही मिसट्रीट किया, एंड दैट बैड एक्सपीरियंस ही फेस्ड इन हिज होल लाइफ, उसी बैड एक्सपीरियंस के कारण अपने पूरी लाइफ में क्या करता है, सफ़र करता है। चलिए आप करें इसका थोड़ा सा, इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं कि वो उनके उसमें फियर क्रिएट हुआ, कब हुआ, जब वो छोटे बच्चे थे, मैं यहाँ पे क्लियर भी मैंने कर दिया है ये एक्सपीरियंस उनका कब का है, जो वो 3 या 4 साल के थे तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ जो बीच पे हुआ था। अच्छा, डगलस अगेन व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, भाई देखो वो क्या करता है, 3-4 साल का फियर तो क्रिएट हो गया, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बहुत छोटा बच्चा कुछ कर नहीं सकता था। अगेन व्हेन ही वॉज एट द एज ऑफ 10 और 12, जब वो 10 या 11 साल का हुआ, देन अगेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम, वो फिर दोबारा से डिसाइड करता है कि वो क्या करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे। एंड इन द पूल एंड इन 18 ईयर ओल्ड डग्स हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, ठीक है, वहाँ पे जब वो वहाँ पे स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं YMCA पूल पे जो कि याकिमा रिवर पे, चैप्टर में सारा पढ़ेंगे बेटा, एक बार ब्रीफ में हम टच कर रहे हैं, ठीक है, याकिमा रिवर पे YMCA पूल है, वहाँ पे जैसे ही स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं तो एक 18 साल का लड़का डक्स हिम, डक्स का मतलब होता है बेटा थ्रो हिम, फेंक देना, ठीक है, वो उसे जो है वो गहरे पानी के अंदर फेंक देता है। ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्स बिफोर ही सेव्ड बाय सम, अब एक बच्चा जिसे स्विमिंग आती नहीं उसे उठा के ऊपर से पुल के अंदर फेंक दे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही विल बी ड्रॉन, वो डूबेगा, तो ही सेव्ड बाय समवन, लेकिन आखिर में उसे किसी ने बचा लिया, एंड ही गेट्स टोटली शेकन बाय दिस एपिसोड, लेकिन ये एपिसोड इतना भयानक था, आप भी चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कितनी बार पुल में नीचे तक जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, तो एक बहुत ही मतलब एक परमानेंट जो क्रैप्स है फियर ने उसके मन में ले ली, परमानेंटली उसके दिल को पकड़ लिया। ही हैड्स, अब लेकिन देखो अब वो 3-4 साल का था तब फियर आया, तब भी नहीं माना, 10-11 साल का फिर ट्राई करने लगा, 10-11 साल का हुआ फिर आया लेकिन फिर भी नहीं माना, जब वो बड़ा हो गया तो उसने इंस्ट्रक्टर हायर करता है और फिर वो इंस्ट्रक्टर उसे एक स्विमर बना देता है, लेकिन प्रॉब्लम स्विमिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम थी फियर की, और वो इस चीज़ को भी यहाँ तक नहीं छोड़ता, उस फियर को भी वो दूर करता है, कैसे कैसे दूर करता है यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, यही क्लाइमेक्स है कि आफ्टर लर्निंग स्विमिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखने के बाद वो अब भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, अब उस फियर पे वो ओवरकम करना चाहता है, इसलिए वो लेक वेंट फोर्थ जाता है और जो दूसरी लेक से उनमें कई कई मील तक वो जो है वो स्विमिंग करता है, देन ही वो श्योर दैट नाउ फियर हैज़ गोन, तब उसे रियलाइज होता है कि हाँ फियर जा चुका है। टू रिमूव रिजाउडल डाउट, थोड़े थोड़े डाउट हमको रिमूव करने के लिए भी वो वार्म लेक पे गया, वहाँ पे स्विमिंग की और फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये है ना डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन है, देखो डिडंट क्लोज द हार्ट,
then again didn't close the hurt, again didn't close the hurt, and at last he won. ठीक है, able to conquer, conquer का मतलब क्या होता है, win, जीतना. और आखिर में फिर वहाँ पे अपना जो उसकी जीत थी उस डर पे उसने हासिल कर ली. ठीक है, कल अब नेक्स्ट वीडियो से इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे बेटा, वर्ड टू वर्ड रीडिंग कराऊंगी. कोई डाउट हो मैं फिर से बोलती हूँ, आप मैसेज कर देना. आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसका थीम, ठीक है, स्टोरी को समझना, कैरेक्टर्स को समझना, थीम को समझना, गॉट इट. एंड स्टेप बाय स्टेप दिस फोर इंसिडेंट, ये चार इंसिडेंट उसकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, गॉट इट. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.